चार आउटपुट डिवाइसेस। अभी तक हमने इनपुट डिवाइस पढ़ा और सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ा, दो डिवाइसेस हम पढ़ चुके हैं। आफ्टर दैट आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस करते हैं। एंड आउटपुट डिवाइस इज एनी फिजिकल पेरिफेरल दैट रिसीव डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर फॉर डिस्प्ले एंड प्रोजेक्शन, फॉर डिस्प्ले एंड प्रोजेक्शन। मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। ये जो है ये कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं और दूसरे भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और इन्हीं तीनों आउटपुट डिवाइसेस का यहाँ वर्किंग किया गया है। मॉनिटर पे विजुअल डिस्प्ले होगा, विजुअल आउटपुट होगा। स्पीकर पे आपको ऑडिटरी यानी कि ऑडियो आउटपुट होगा एंड प्रिंटर पे प्रिंटेड आउटपुट होगा। ये तीनों आउटपुट डिवाइसेस का आपको टाइप्स ऑफ आउटपुट है कि किस तरीके का आउटपुट हमें मिलता है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन की, प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्टर के थ्रू फोकस करना। जैसे अभी आपका ये जो आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में, तो ये प्रोजेक्टर के थ्रू, जो स्मार्ट क्लास प्रोजेक्टर के थ्रू है, वो आपका यहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है, प्रोजेक्शन हो रहा है, ठीक है, इसे आप प्रोजेक्शन बोलेंगे। ओके, फर्स्ट वी डिस्कस मॉनिटर। मॉनिटर इज लुक लाइक अ टेलीविजन, बिल्कुल सेम आपको टेलीविजन की तरह दिखता है एंड ऑल्सो नोन एज VDU। किस नाम से जाना जाता है? VDU। किस नाम से स्टूडेंट्स? ये VDU के नाम से जाना जाता है, VDU। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये मॉनिटर जो है वो टेलीविजन के नाम से जाना जाता है एंड ऑल्सो नोन एज, ये लुक लाइक अ टेलीविजन, किस तरह दिखता है? टेलीविजन की तरह। एंड ऑल्सो नोन एज वीडियो, वीडियो के नाम से भी ये जाना जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले टेक्स्ट पिक्चर्स एंड वीडियोस, इट लुक लाइक अ टेलीविजन। ये क्या, इस पे शो होता है कोई भी टेक्स्ट, कोई भी वीडियो, किसी भी तरीके का पिक्चर्स, कोई भी हर चीज इस पे आपको व्यू होता है, विजिबल होता है। ये आपका फर्स्ट आउटपुट डिवाइस। सेकेंड आउटपुट डिवाइस इज स्पीकर। ओके, स्पीकर्स गिव एन आउटपुट, क्या देता है ये आउटपुट देता है, गिव एन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड। किस फॉर्म में आउटपुट निकलता है? साउंड के फॉर्म में। वी कैन लिसन टू म्यूजिक, स्पीचेस एंड अदर साउंड्स थ्रू स्पीकर्स। हम साउंड सुनते हैं, स्पीचेस सुनते हैं एंड म्यूजिक सुनते हैं, इसके थ्रू, साउंड बॉक्स के थ्रू, स्पीकर के थ्रू। आप जनरली शादियों में, पार्टियों में, या फिर जनरली आप कंप्यूटर घर पर रखे होंगे तो स्लो मोशन में आपने सॉन्ग्स वगैरह बजाते हैं, प्ले करते हैं और सुनते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट एंड लर्न अबाउट प्रिंटर। स्टूडेंट्स प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस which is used to print of our work, any work, okay? जो हम रिटेन में या जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं उनका अगर आउटपुट हमें लेना हो तो हम प्रिंटर के थ्रू ऑन पेपर ले सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे दो आउटपुट हैं, एक प्रिंटर का और एक स्टूडेंट्स है मॉनिटर का आउटपुट। मॉनिटर पे जो आउटपुट होता है रिटेन, वो आपका एवरी टाइम सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी। कभी भी बात हो अगर तो सॉफ्ट कॉपी की बात हो तो आप समझ जाएं कि वो मॉनिटर पे सॉफ्ट कॉपी की बात हो रही है, मॉनिटर के आउटपुट की बात हो रही है, और प्रिंटर पे जो प्रिंट होके आता है वो हार्ड कॉपी की बात होती है, उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं ये क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स इंपैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर जो होते हैं वो मेनली स्टूडेंट तीन तरह के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, ये ऑफिसेस वगैरह में यूज होते हैं, बिलिंग के लिए, बिल निकालने के लिए। इंकजेट प्रिंटर मेनली ये कलर प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर जेट प्रिंटर जनरली ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होते हैं। तो कितने तरह के प्रिंटर हो गए हमारे पास? थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर जेट। ओके, स्टूडेंट्स नाउ इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, मेमोरी यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट।
ओके, मेमोरी यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। मेमोरी यूनिट की बात करते हैं। मेमोरी यूनिट हमने आपको सीपीयू में भी बताया था कि सीपीयू में जो होता है एक पार्ट आपका मेमोरी यूनिट का होता है, और उस मेमोरी यूनिट में स्टूडेंट्स खासकर सीपीयू के मेमोरी यूनिट्स में दो मेमोरी उसमें इंक्लूड होते हैं, रैम एंड रोम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेमोरी यूनिट्स में स्टूडेंट्स आप देखें, मेमोरी यूनिट्स का मतलब ही होता है स्टोरेज, किसी भी डाटा को स्टोर करना, सेव करना फॉर फर्दर एंड फ्यूचर यूज, उसको हम मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट के नाम से भी जानते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस के भी नाम से जानते हैं। मेमोरी जनरली मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू, इट्स डिवाइडेड इनटू टू टू कैटेगरीज और इट्स टू टाइप्स। ओके, कितने तरह के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट। फर्स्ट प्राइमरी स्टोरेज एंड प्राइमरी मेमोरी यूनिट एंड सेकेंडरी मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे आपको, ये जैसे प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल्स हैं, ये आपको सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल्स हैं। लेट्स इन डिस्कस इन डिटेल प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्टोरेज की अभी हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि मेमोरी यूनिट की बात करने जा रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में, प्राइमरी मेमोरी यूनिट एंड सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। प्राइमरी स्टोरेज इज आल्सो नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी जाना जाता है, मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इट वर्क्स एज अ वर्किंग स्टोरेज स्पेस, यानी कि ये कैसा काम करता है? ये स्टोरेज स्पेस के तौर पे काम करता है। जिस तरीके से आपका रूम जितना बड़ा होगा, जितनी स्टोरेज ज्यादा होगी उतना ज्यादा सामान इसमें रखेंगे आप, उसी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी जितना ज्यादा होगा स्टोरिंग स्पेस, उतना आप उसमें सामान यानी कि फाइल डाटा आप ज्यादा रखेंगे। जैसे आप मोबाइल में भी जितना जीबी स्टोरिंग लेते हैं उतना ही ज्यादा आपका गाने या फोटोज या जो भी एप्लीकेशन है वो लोड होता है, अदरवाइज छोटा होता है तो आपका जगह फुल हो जाता है। इट यूज टू स्टोर इनपुट, कोई भी आप इनपुट करते हैं उसे स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो वो स्टोरेज के काम आता है प्राइमरी स्टोरेज में। ये दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम, प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो है, रैम एंड रोम। RAM के बारे में पढ़ते स्टूडेंट्स, RAM stands for Random Access Memory। RAM का जो फुल फॉर्म होता है वो Random Access Memory। Random मतलब randomly, कभी भी randomly यूज होता है, और ये अब इसके बारे में भी आगे पढ़ते हैं। It is used to hold the data temporarily while computer is working। ये डाटा को temporarily यानी कि परमानेंट नहीं, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन जब तक कंप्यूटर वर्किंग रहता है, जब तक कंप्यूटर चलता रहता है, तब तक वो डाटा को स्टोर करता है फॉर वर्किंग। व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन रैम इज इरेस्ड। क्या होता है? जब तक कंप्यूटर चलता रहता है तब तक वो स्टोर की रहता है डाटा को। जैसे आप कंप्यूटर को शटडाउन करेंगे, ऑफ कर देंगे, आपका डाटा जो है वो कंप्यूटर का है, वहां पे आपको डाटा इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वोलाटाइल इन नेचर। एंड व्हाट इज वोलाटाइल? इस कॉन्सेप्ट को समझे स्टूडेंट्स, वोलाटाइल, वोलाटाइल मींस इरेजेबल, उड़ जाता है। जैसे आप पेट्रोल डीजल को खुला छोड़ दें वो ऑटोमेटिक कुछ दिनों के बाद उड़ जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, तो वो वोलाटाइल नेचर है। उसी तरीके से रैम का स्टोरिंग जो है वो भी वोलाटाइल नेचर होता है। जब आप वर्किंग में है तो वर्क करेगा, बंद कर देंगे इरेज हो जाएगा अपने आप, तो वोलाटाइल नेचर। रैम वोलाटाइल, रैम वोलाटाइल, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आते हैं कि वोलाटाइल नेचर कौन होता है, रैम एंड रोम, तो रैम होगा। बात करते हैं रोम की। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, रीड ओनली, सिर्फ पढ़ सकते हैं और उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल मेमोरी चिप्स दैट फॉर्म अ मेमोरी मॉड्यूल। ये छोटे छोटे मेमोरी चिप से बना होता है जिसको मेमोरी मॉड्यूल बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन इन रोम कैन बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज्ड।
इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस पहले से सेव होते हैं उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पर उसको चेंज नेवर कभी नहीं कर सकते हैं। द डाटा कैन नॉट बी इरेज्ड इवन व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। डाटा कभी भी इरेज नहीं होता है अगर आप कंप्यूटर को इरेज भी कंप्यूटर को शट डाउन भी कर दें तो भी। तो इसका क्या होता है, ये जनरली स्टूडेंट्स कंप्यूटर का बायोस होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन हार्ड डिस्क या जो भी उसके मदरबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बायोस में स्टोर होता है ऑलरेडी, और उसमें आपको बैटरी लगा होता है तो डेट और आपको डेट वगैरह भी अपने आप ऑटोमेटिक आता है। ऐसा नहीं है कि आप बंद कर दोगे तो डेट खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट करोगे वो अपने आप डेट ले लेता है। कैसे लेता है, बायोस से लेता है। तो उसका एक बायोस का कॉन्फ़िगरेशन होता है मदरबोर्ड में, बायोस का कॉन्फ़िगरेशन जो यही रॉम के में स्टोर होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है। आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इसी वजह से ड्यू टू दिस नेचर इट इज नॉन वोलेटाइल नेचर, इट्स कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। रैम क्या था, वोलेटाइल था क्योंकि वो इरेज हो रहा था। नॉन वोलेटाइल नेचर है ये रॉम क्योंकि ये इरेज अपने आप नहीं होता है। नॉन वोलेटाइल रॉम, नॉन वोलेटाइल रैम, वोलेटाइल स्टोरेज। के बाद सेकेंडरी स्टोरेज की। सेकेंडरी स्टोरेज आप जनरली आप यूज करते हैं एज वेल लाइफ में, आप पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फिल्मों के लिए, कुछ फाइल के लिए, ये सब यूज करते हैं। पहले आपको फ्लॉपी यूज होता था, कंप्यूटर के अंदर आपको हार्ड डिस्क यूज होता है जिसमें आपको स्पेसेस होते हैं, आप फाइल अपना रखते हैं। तो ये सब क्या है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी मेमोरी यूनिट है। सेकेंडरी स्टोरेज रिफर टू स्टोरेज डिवाइसेस, ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं एंड मीडिया दैट आर नॉट कंस्टेंटली एक्सेसिबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। नॉट कंस्टेंटली इट मींस कि ये क्या होता है, ये हमेशा एक्सेस नहीं करता। अगर कंप्यूटर चल भी रहा हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका एक्सेस होगा। जब आप उसको एक्सेस करेंगे तभी कंप्यूटर उसको एक्सेस करेगा, लेकिन प्राइमरी मेमोरी जो क्या होता है वो डायरेक्टली और एवरी टाइम एक्सेस होता रहता है जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए डायरेक्टली नॉट एक्सेसिबल है इसमें, एग्जाम्पल के लिए हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी एंड फ्लॉपी। ठीक है, ओके, ड्राइव, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी एंड फ्लॉपी, ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज है। अब हम इंडिविजुअल पर देखते हैं स्टूडेंट्स। फ्लॉपी, फ्लॉपी इज ए स्क्वायर, जैसा आप देख रहे हैं ये स्क्वायर शेप में होता है। मिनिमम स्टोरिंग कैपेसिटी, सबसे छोटी और स्मॉल स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्केट, डिस्केट के नाम से जाना जाता है। इट हैज अ स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी, काफी कम स्टोरेज कैपेसिटी होता है, अप्रोक्स 1.44 MB, 1.44 MB, एमबी का आप जानते ही हैं मेगाबाइट, जो आपको पहले क्लासेस में मेमोरी के बारे में बताया जा चुका है। एमबी मेमोरी 1.44 MB। आफ्टर दैट हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं। हार्ड डिस्क होता है वो सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करता है, जो कि आपको सीपीयू के इनसाइड द सीपीयू ये इंसर्ट होता है। ओके, हार्ड डिस्क इज यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली, और इसमें जो भी डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली होता है। इट इज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, यानी कि आपका कैबिनेट जो होता है, सीपीयू का जो बॉक्स होता है उसके अंदर ये आपको हार्ड डिस्क लगा होता है और ये कनेक्टेड होता है आपको मदरबोर्ड से। It can store large amount of data which can be used by us in the future. और इसमें store data होता है जो भी future use के लिए कभी भी उसको हम, जैसे हम कोई painting बनाते हैं या कोई documents तैयार करते हैं उसको हम save कर देते हैं computer में, वो कहाँ save होता है, वो आपके hard disk में save होता है for further and future use. After that हम बात करते हैं DVD and CD की। ये आप proper use करते हैं, कभी भी आपको फिल्म देखना हो, songs हो, आप जाकर या कोई game download करना हो, game copy करना हो, तो आप यहीं से आप जाते हैं कहीं से भी CD और DVD लेकर आते हैं उसकी और उसको computer में copy करते हैं। तो इससे आप वाकिफ हैं, generally आप इसको जानते हैं। It is circular in shape, गोल circular shape होता है। It can store large amount of data than floppy. Floppy से ये ज़्यादा storing करता है, floppy से ये ज़्यादा storing करता है, हार्ड डिस्क से ज्यादा नहीं, फ्लॉपी से। ठीक है ना, आप डीवीडी जो होता है वो फ्लॉपी से ज्यादा स्टोर करेगा, पेन ड्राइव जो होगा वो सीडी से ज्यादा स्टोर करेगा, और हार्ड डिस्क जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टोर करेगा। सीडी एंड डीवीडी, इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क,
700 MB स्टोर करता है, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क 4 GB तक ये स्टोर करता है या 4.7 GB तक। ओके, इसको आप स्टडी करें बुक से। पेन ड्राइव, अब ये जो पेन ड्राइव की बात हुई स्टूडेंट्स, आपने ये पेन ड्राइव देखा होगा, जनरली आपको देखते याद आ जाएगा हाँ ये तो हम यूज करते हैं। पेन ड्राइव इज द लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें भी आप फाइल वगैरह स्टोर करते हैं। इट इज प्लग इनटू द कंप्यूटर थ्रू एंड यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट के थ्रू, ये जिस पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होता है उसको यूएसबी पोर्ट कहते हैं। इट इज एन स्मॉल साइज बट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ये छोटा होता है लेकिन काफी ज्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर करता है। तो स्टूडेंट्स हमने ये कंप्लीट टू लेसन को कंप्लीट किया, आप इसको इनिशियल स्टेज इनिशियल से लास्ट तक इसको रीड करें और नेक्स्ट रिवाइज में कुछ पॉइंट दिए रहते हैं उसको आप पढ़ें ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पार्ट्स ऑफ हमने इसमें डिस्कस किया, टोटल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इट मींस डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, बिल्कुल कंप्लीट हमने डिस्कस किया। तो ओके, आप इसको स्टडी करें, इसका क्वेश्चन आंसर बुक पर जो भी है वर्कशीट है वो आपके व्हाट्सएप या आपके साइट पे डाउनलोड हो जाएगा, वहां से आप अपलोड होगा, वहां से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।